ये बिल्कुल आपका बहुत बड़ा सवाल है और बहुत अहम सवाल है कि ये गरीब गरीबों की बात कर रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं, अपने महापुरुषों की बात कर रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ ना कि जय भीम का नारा लगाने से ना कोई अंबेडकरवादी नहीं होता। मौजूद हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद बीमिशन टीवी का कि आपने यहाँ पर अपना समय दिया और जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा है उसको लोगों तक पहुँचाने का काम किया। अभी सेमीफाइनल चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव, तो किस तरीके की आपकी तैयारियाँ है? आप राजनीति में आ सकते हो या किसी सीट से आपकी तैयारी, क्या संघर्ष चल रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सेमीफाइनल है और फाइनल 2024 है, और जब सेमीफाइनल में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे तो जो फाइनल में विरोधी पार्टियां हैं उन पर प्रेशर बनता है। तो ये हमारा सेमीफाइनल को हम बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड स्तर पर कैडर लगा करके लोगों को अपनी विचारधारा से परिचित करा रहे हैं, और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 70-80% हम सीट जीते और जो 2024 में माननीय बहन जी को हम प्रधानमंत्री बनाएं। लगातार आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री बनाएं, विधानसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा स्थिति खराब रही, इसको भी ध्यान रख कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि हमारी स्थिति बहुत ख़राब रही, लेकिन खराब स्थिति के कारण बहुत सारे हैं। आप इस बात को समझेंगे कि जो लोग बाग है वो भावनात्मक ज़्यादा अटैच होते हैं, और भावनात्मक अटैच हम लोगों को ना कोई भी लालच दे करके अपने से अटैच कर सकते हैं। झूठ बोल करके प्रोपोगंडा फैला करके हम लोगों को किसी भी पार्टी से हटा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो हमारा खराब प्रदर्शन किन कारणों से रहा। देखिए, अभी आपको मैं बताता हूँ, दिल्ली में केजरीवाल ने एक स्कीम चलाई, उस स्कीम का नाम था ओवरसीज स्कीम, जिसके अंदर लोगों को विदेशों में पढ़ने के लिए 5 लाख का रुपया दिया जा रहा था, लेकिन जब हमने उसकी जांच पड़ताल करवाई तो उसके अंदर 2 लोगों को नॉमिनेट किया गया और उन 2 लोगों को भी पूरा पैसा नहीं दिया गया, लेकिन उसका जो प्रचार है उसको प्रचार करने में 19.5 करोड़ रुपया केजरीवाल ने खर्च किया। अब बहन जी ने, अब यहाँ पर यह कमी है ना कि बहन जी उस पैसे को जो प्रचार में खर्च किया जाता है ना, उस पैसे को बहन जी समझती हैं कि हमारी जनता और गरीब जनता का पैसा है। बहन जी सिर्फ ये अपना जो प्रचार है उस प्रचार में गरीब लोगों का पैसा नहीं उड़ाती हैं। अब ये बात है ना कि लोगों को ये बात समझना पड़ेगा ना कि क्या वो लोग सही है जो हमारे टैक्स के पैसे को सिर्फ प्रचार में उड़ा रहे हैं, या वो हमारी नेता सही है जिनको एक एक रुपया का हिसाब लगा करके और उनको सही जगह में इस्तेमाल कर रही है। देश की आवाम को तय करना होगा। दूसरी बात ये है कि जब 2000 ये पिछला विधानसभा का जो चुनाव हुआ उसमें जो भारतीय जनता पार्टी है उसके कंट्रोल में मीडिया है, और जो मीडिया कंट्रोल है वो क्या करती है कि उन्होंने जो भी वो प्रचार करती है वो सीधा सीधा प्रचार बीजेपी को जिताने के लिए प्रचार कर रही है। आज वो खबर नहीं दिखाती है, वो प्रचार कर रही है। किसका प्रचार? भारतीय जनता पार्टी का प्रचार। और एक तरीके का प्रचार ये होता है कि जब हमें कोई जीत हासिल करनी है तो दूसरी पार्टी को हमें जमीन में गिराने का काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने यही काम किया कि बहुजन समाज पार्टी को लोगों के सामने इस तरीके से इमेज खराब की कि बहुत सारे सवाल आपने सुने होंगे कि बहुजन समाज पार्टी तो ब्राह्मण समाज पार्टी बन गई है, बहुजन समाज पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है, बहन जी तो ईडी से डरती है, बहन जी तो ग्राउंड पर उतर ही नहीं रही है, बहन जी तो रैलियां नहीं कर रही। तो इतने सारे सवाल हमारे समाज में ये उन्होंने फैलाए, एक झूठ प्रचार किया गया, और मुस्लिमों को ये बोल दिया गया कि मुस्लिमों को कि आप अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली कोई पार्टी है, अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई हराने वाली पार्टी है तो वो बहुजन समाज पार्टी नहीं सपा है। तो ये प्रचार किया गया और उस प्रचार के तहत, उस षड्यंत्र के तहत हमारे जो जनता थी जो बहुजन समाज पार्टी पर विश्वास करती थी वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके सपा को वोट किया, और क्योंकि वो इस जो सत्ताधारी सरकार है इससे तंग आकर के वो इसको बाहर निकालना चाहती थी। लेकिन अब ये बात सब लोगों को समझ में आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने वाली पार्टी सपा नहीं है, क्योंकि वो तब भी नहीं हरा पाई जब 95% लोग
उनके साथ में जुड़ गए। आपने उपचुनाव में भी देख लिया होगा, उपचुनाव में भी जब बहुजन समाज पार्टी तो है नहीं, उससे पहले सपा ने ये बोल दिया कि बहुजन समाज पार्टी ने की वजह से हम ये चुनाव हारे हैं, तीन सीट छोड़ रही हैं, उन पे लड़ना ही नहीं। अब उन्होंने ये देखना छोड़ दिया कि अब आप देखिए तुम जीत सकते। बिल्कुल, ये नहीं, आप आजमगढ़ की सीट का एग्जांपल ले लीजिए। आजमगढ़ के अंदर बहन जी तो नहीं चुनाव लड़ी, लेकिन फिर भी वो नहीं हरा पाई। सीधा सीधा ये ना, बहन जी ने ये ट्वीट भी किया था और ये बताया भी था कि देखिए आपने हमारे ऊपर ये ठीकरा, हाँ आपने हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ा था कि हमने हमारी वजह से आप जीत नहीं पाए, लेकिन अब ये देखिए हम तो चुनाव में है ही नहीं। इसका मतलब ये है ना कि जो सपा है ना वो बीजेपी को हराने वाली पार्टी है ही नहीं। अगर बीजेपी को कोई बाहर कर सकती है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि बीजेपी की आइडियोलॉजी से सब लोग परेशान है। विषय पर बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद, अखिलेश यादव और जयंत सिंह ये तीनों एक हो गए हैं और ये गरीब दलित शोषितों की काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं, अब कर रहे हैं वर्तमान में, पहले कभी नहीं की। हाँ, हाँ, तो इसको किस नज़र से देखें? ये बिल्कुल आपका बहुत बड़ा सवाल है और बहुत अहम सवाल है कि ये गरीब गरीबियों की बात कर रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात कर रहे हैं, अपने महापुरुषों की बात कर रहे हैं। मैं आपको कहता हूँ ना कि जय भीम का नारा लगाने से ना कोई अंबेडकरवादी नहीं होता है, और जय भीम का नारा लगाने से वो आपकी वोट हासिल कर करके और सत्ता में बैठ करके आपके लोगों के साथ अत्याचार करे, ये बात भी आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अब हम क्या कहेंगे ना कि वो लोग इनकी बात कर रहे हैं, अब इससे पहले विधानसभा में आपने ये देखा होगा ना कि वो सीट के लिए उनसे भीख मांग रहे थे लेकिन उन्होंने उनको सीट नहीं दी, लेकिन आज ये उनके साथ बराबर में बैठे हुए हैं। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, कोई शर्त लग रही है इन्हीं ने कोई शर्त रखी है अखिलेश यादव के साथ? देखिए अभी इस बारे में मेरे को जानकारी नहीं है कि इनकी आपस में क्या कोलैबोरेशन है, आप ऐसे घूम रहे हैं। ये देखिए मेरे को लगता है ना कि ये अभी सिर्फ वोट हासिल करने के लिए, मैंने आपको बताया ना कि ये जो दलितों का वोट हासिल करने के लिए दलितों में से एक पर्सन को अपना पर्सनल बता करके, उनको मसीहा बता करके, हमारी जो सच्चा लीडरशिप है, जो हमारे समाज का सच्चा हितेशी है, जो हमारी एक्चुअल में लीडरशिप करती है, उसको गिराने का काम करते हैं। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था ना कि हमारा वन लीडर, वन प्रोग्राम और वन पार्टी होना चाहिए। मतलब बाबा साहब का हम कहते हैं कि जय भीम का हम नारा लगाते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो हमें रास्ता बताया ना, हमें उसको समझना पड़ेगा। जो बाबा साहब ने हमें मिशन दिया है ना, उसको समझना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा हमारा वन लीडर होना चाहिए। अब सच्चा लीडर को समझने के लिए हमारे अंदर बौद्धिकता होनी चाहिए कि भाई हमारा लीडरशिप कौन कर रहा है। अब बहुत सारे लोग अगर चंद्रशेखर आज़ाद को अपना लीडर समझ ले तो क्या वो हमारे समाज का कल्याण कर सकता है? वो बहन अभी दिल्ली में आपने देखा होगा, वो वहीं पर चुनाव लड़ रहा है, बहन जी के सामने क्या हमारी वोट नहीं कटेंगी? लेकिन उनको क्या जरूरत पड़ रही है? पार्टी बनाई है तो वो तो चुनाव लड़ेंगे, तुम अपना जमीन मजबूत करो, ये भी तो अहम सवाल है। मैं आपका बिल्कुल सवाल है कि पार्टी बने, मैं यही तो बोल रहा हूँ कि पार्टी क्यों बनाई है। जब आप भारतीय संविधान आज़ादी देता है, ये बिल्कुल सही बात है, आज़ादी देता है। मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ, सबको आज़ादी है, कोई भी पार्टी अपनी बना पार्टी, बिल्कुल सही बात है, कोई भी पार्टी बना सकता हूँ। ये भी बाबा साहेब के संविधान की देन है कि सबको अधिकार है। पर मैं ये कहता हूँ कि जब हम बाबा साहेब के मिशन की बात करते हैं तो हम ये बात क्यों नहीं समझ लेते कि बाबा साहेब ने हमें ये कहा था कि हमारा वन लीडर, वन प्रोग्राम, वन पार्टी होना चाहिए? फिर ये बात क्यों नहीं करते कि बहन जी जो हमारा काम कर रही है, उन्होंने, बहन जी ने हमें नहीं लिया, इस वजह से हमने पार्टी बना ली। अरे बहन जी के मिशन में आपने काम कितना किया, कितने मंच पर जाकर के, कितना जिला में जाकर के आपने लोगों को संगठित किया और बहन जी के लिए वोट मांगा, कितने लोगों के लिए आपने ये कहा कि बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करो या उनको वोट दो? आप कह रहे हैं कि बहन जी ने हमें लिया नहीं इसलिए हमें पार्टी मजबूरी में बना ली, लेकिन हमारे लोगों को ना गुमराह करके और बहन जी का स्तर नीचे गिरा करके अपने चेहरा चमकाने का काम। चलिए, कैसे भी पार्टी बनी कैसे नहीं बनी ये हमें इस बात में बात नहीं करेंगे, पर ये बात जरूर करेंगे, दलित समाज क्या उनकी तरफ जाएगा? दलित समाज उनकी तरफ नहीं जाएगा, और दलित समाज को मैं अपील करता हूँ जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको ये समझना चाहिए कि हमारा जो कल्याण है वो बहुजन समाज पार्टी में है। और वो क्यों है इस बात को हमें समझना पड़ेगा। बहन जी हमारे लिए क्या कर रही हैं? बहन जी को इमेज ख़राब करते हैं, बहन जी को कोई पढ़ता नहीं है। जब मैं आपको बताता हूँ ना वो क्यों नहीं पढ़ते, जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर लड़ाई लड़ रहे थे ना, तो उससे पहले जो लोग हैं ना वो बाबा साहेब को लॉन्च करने वाले कौन थे? साहू जी महाराज। तो जो लोग साहू जी महाराज से अटैच थे वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के साथ में नहीं हुए। जब मान्यवर काशीराम साहब लड़ रहे थे तो जो बाबा साहब से अटैच थे वो मान्यवर काशीराम साहब को क्या बोलते थे? ये तो अलग आदमी है, हम तो बाबा साहब के साथ हैं लेकिन मान्यवर काशीराम साहब के साथ नहीं है। आज के समय में क्या हो रहा है, जो बहन जी लड़ रही हैं, बहन जी इस मिशन को आगे बढ़ा रही है, तो अब कहते हैं लोग हम मान्यवर काशीराम साहब के तो साथ हैं लेकिन बहन जी के साथ नहीं है। तो ये बात चल रही है। अब
अब समस्या ये है ना कि आज के समय की जो राजनीति है उसको कोई पढ़ता नहीं है। जब कहता हूँ मनोहर काशीराम साहब को आज पढ़ना शुरू किया, मनोहर काशीराम साहब के जाने के बाद बहन जी की आइडियोलॉजी को अगर पढ़ना शुरू कर दे तो उनको समझ में आ जाएगा कि बहन जी हमारे लिए क्या कर रही है। बहन जी ऐसा कौन सा समय है जिस समय बहन जी अपने संगठन के लिए काम नहीं करती? ऐसा कौन सा दिन आपने देखा जहाँ बहन जी विदेशों में जाकर के पार्टियां कर रही हो? तो बहन जी कहते ना बहन जी काम ही नहीं कर रही, बहन जी काम नहीं कर रही तो क्या करे? 16 जिले में हमारी पार्टी काम करती है, 400 प्लस ऑफिस है बहुजन समाज पार्टी के, उन सबको देखना, 75 जिले हैं अब ओनली उत्तर प्रदेश, सबके जिला अध्यक्ष है, उनको कौन संभाल रहा है? पर एक और सवाल आता है कि आप काम कर रहे हो अभी आपने बताया, पर अभी तक हमारी नज़रों के सामने वो काम नहीं आ पाया, इसका मेन कारण क्या रहा? कहीं मीडिया कारण रहा या मीडिया ने आपको दिखाया नहीं क्या रहा? बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने बात कही, आपने बिल्कुल सही बात कही कि इनके कारण क्या रहे। मैंने आपको बताया ना कॉरपोरेट सेक्टर का दौर अब चल रहा है, कॉरपोरेट सेक्टर समझ रहे हो, जब एक आदमी 850 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर किसको गिफ्ट करेगा तो वो लोगों के मोबाइल में ये विचार नहीं फैला सकता कि ओनली बहुजन भारतीय जनता पार्टी ही इस देश का भला कर सकती है। सवाल ये है ना कि आज का जो समय है ना वो हमारे जो देश की शासन व्यवस्था वो किन के हाथों में? कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों में है। और एक एक आदमी, अब देखिए हमारा देश गरीबी में जा रहा है लेकिन कुछ आदमी ऐसे हैं जिनकी आय कई कई गुना हो रही है, जिनका नाम विदेश पूरे विश्व के सबसे ज़्यादा अमीर लोगों में ऐड हो रहा है। तो आप इस बात को समझिए कि इस बात पर आते कि हमारा क्यों, हमें क्यों नहीं जीत मिल रही है, हम क्यों नहीं दिख रहा है, इसका कारण ये है क्योंकि जो दूसरी पार्टी है वो प्रचार में पैसा खर्च करती है, उनको पैसा कॉरपोरेट देता है और पैसा दे करके जीत हासिल कर लेता है। अब देखिए पहले वो पार्टी को पैसा देगा, फिर पार्टी जीत जाएगी तो जीतने के बाद फिर उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेगा और कॉन्ट्रैक्ट लेकर के वो हमारी जनता का खून चूसेगा और उससे पैसा कमाएगा। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए अगर पार्टी, इनकी पार्टियों में रैलियों में इतना पैसा कहाँ से आता है? इतना पैसा जो ये बड़ी बड़ी रैलियाँ करते हैं, बड़े बड़े मंच लगाते हैं, वो पैसा किन लोगों का पैसा है? ये अपने घर से लगाते हैं क्या? बहुजन समाज पार्टी की छोटी पार्टियाँ क्यों होती है? क्योंकि बहन जी की जो पार्टी काम करती है वो गरीब जनता के 50-50 रुपये से काम करती है, 100-100 रुपया लेकर के काम करती है। और ठीक है, अब राहुल गुजर जी हमारे साथ मौजूद से हैं, तमाम विषयों पर इनसे बातचीत कर ली, पर इन्होंने सुना यहाँ पर खड़े हो गए, ये बहुत बहुत आभार भाई, इतना टाइम आप भी खड़े रहे। इनकी बातों पर आप क्या कहना चाहोगे, सही कहा या गलत कहा? कोई गलत है तो साफ सीधा कह दीजिए, सही है तो साफ सीधा कहिए, ये आपके दोस्त हैं, ये दोस्ती भाई यहाँ मत। हाँ। नहीं, आवेश भाई ने बहुत अच्छा कहा। मैं चंद्रशेखर की बताना चाहता हूँ, खतौली में किसी व्यक्ति का प्रचार कर रहे हैं, कौन सी पार्टी जो दलितों पर अत्याचार करती थी राष्ट्रीय लोकदल उसका प्रचार कर रहे हैं।